यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बहराइच से आ रही है जहां पर महाराजगंज में इंजेक्शन लगने से बच्ची की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, महाराजगंज में इंजेक्शन से बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर का क्लिनिक भी सीज कर दिया गया है। एक क्लिनिक में ये डॉक्टर था जिसने इंजेक्शन लगाया और बच्ची की मौत हो गई इंजेक्शन लगने से। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बहराइच से, जहां पर महाराजगंज में इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही डॉक्टर का जो क्लिनिक है उसे भी सीज कर दिया गया है। बड़ी खबर बहराइच से दे रहे हैं, जहां पर एक बच्ची की जान चली गई। इंजेक्शन लगाने से बच्ची की जान चली गई और डॉक्टर जिसने इंजेक्शन लगाया उसे उसके सहयोगी के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, उस डॉक्टर के क्लिनिक को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टर का ये क्लिनिक है जहां पर एक बच्ची को इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। निशांत गुप्ता हमारे संवाददाता बहराइच से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, बच्ची की मौत हो गई इंजेक्शन लगाने से, क्या डॉक्टर फर्जी था? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इन दिनों जनपद बहराइच में जो है डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन इन लोगों के चलते किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जी निशांत, क्या पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया है इस डॉक्टर के चलते? इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अकेले इसी डॉक्टर ने 6 महीने के अंदर इसी डॉक्टर की वजह से चार मरीजों की मौत हो चुकी है, 10-3 इंजेक्शन लगाने की वजह से, जिसको कई बार पुलिस की कार्रवाई के लिए एफ आई आर तक की गई इसके ऊपर, लेकिन अब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और स्वास्थ्य कमे में भी स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी कई बार सूचना दी गई है, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 6 महीनों में इसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 4 लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं, क्या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी स्वास्थ्य महकमे से थोड़े सा डॉक्टरों की काफी साजगार चलती है, क्योंकि इतने सख्त आदेशों के बावजूद ये जो सब डॉक्टर अपना क्लिनिक संचालित करते हैं यहाँ पे और कोई कार्रवाई नहीं लोगों के लिए होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत गुप्ता तमाम अपडेट देने के लिए। तो डॉक्टर के क्लिनिक को भी सीज कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है।